उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी है, इंडिया के एक सहाफ़ी अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अफ़गान फोर्सेस और तालिबान में झड़प हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। उस न्यूज़ रिपोर्ट में, उस फुटेज में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बेहतरीन न्यूज़ रिपोर्ट देखें जो इंडिया के सहाफ़ी अपनी जान को ख़तरे में डाल के वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, जहाँ बाज़ सहाफ़ी ने किस तरीके से वहाँ से रिपोर्टिंग की। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, और इस वीडियो के अंदर कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ वीडियो के अंदर। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रा ये वीडियो देखें। हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि जिस सोल्जर के ऊपर मैंने निशान लगाया, आप ज़रा इसको देखें कि उधर फायरिंग हो रही है और ये वीडियो बना रहा है अपने मोबाइल से। ज़रा इसकी हरकत आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। जो मशीन गन से और दूसरे जो आरपीजी की मदद से पोजीशंस को किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा था कि आजरा का इलाका है, पाकिस्तान के जो पारा शिकार। अब जरा आप इस सोल्जर को नोट करें, ये इतने खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके पूरे दांत आपको नजर आ रहे होंगे। आप जरा वीडियो को बेशक पॉज करके उसको आप जूम इन करके भी देख सकते हैं। इनके जो पारा शिकार चिरार इलाका है उसके बिल्कुल लगता हुआ इलाका, और पारा चिनार जो अलकायदा का बेस हुआ करता था, माना जाता है कि ये लगातार आजरा के ऊपर ही यहाँ से उसी इलाके के अंदर ही यहाँ से मूव किया जा रहा है। नीचे यहाँ पर मेरे इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो मौर्य जी, अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ चल के दिखाएं, आइए नीचे रह के चलना। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे पॉज करके आप वीडियो को नोट कीजिएगा, वहाँ पे एक शख्स जो है वो गाड़ियों के उस तरफ चल रहा है। अगर वो गाड़ी के अंदर है और दूसरी तरफ से फायर आ रहा है, सारे फौजी इस तरफ बैठे हुए, लेकिन ये सोल्जर इतना बहादुर है या जो भी ये शख्स है, ये गाड़ी का दरवाज़ा खोल के दूसरी तरफ उतर गया, गाड़ियों के दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो आप ज़रा इनको भी देखिएगा, बेशक आगे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये अब आरपीजी फायर करने की कोशिश में है, देखिए अगर आप देखें तो आरपीजी फायर किया जा रहा है जी। अब अगर आप इस शख्स को देखें, इस सोल्जर को देखें, तो सारे सोल्जर उस तरफ फायरिंग कर रहे हैं, वो उस तरफ हैं, और ये जब कैमरा इस तरफ आया तो उन्होंने दूसरी तरफ मुंह करके उस तरफ बंदूक कर ली है, वहां पे फायरिंग शुरू कर दी है यहां से, और ये फायर इसलिए ताकि इन पोजीशंस को मेंटेन किया जा सके, और यहां से लगातार जो दूसरी जगह है वहां पर मेंटेन। और ये आरपीजी का के अंदर अभी ये जो टीम है वो देखिए, अगर मैं कैमरा पर्सन को वो दिखाएं आरपीजी का फायर करने की, ये वहाँ से जगह ये आरपीजी का फायर किया सीधा उस लोकेशन पर, आप देखिए वहाँ पर अटैक किया जिस पहाड़ी के ऊपर जी। आप अगर यहाँ पे इस सोल्जर को देखें तो ये फायरिंग करते करते एकदम से खड़े हो गए हैं, इनके दूसरे साथी भी पीछे खड़े हो गए हैं, और मेरे ख्याल में शायद उनकी सिगरेट या कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह गिर गया था, उन्होंने उठाया और ये वापस टहलना शुरू हो गया जहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और ये इस इलाकों के अंदर लगातार, अब उधर देखिए इंडिया के इस जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, जिस तरह वो बता रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, और इस वॉर के अंदर जो पाकिस्तान का नेगेटिव रोल है उनको भी उन्होंने एक्सपोज किया। इनकी रिपोर्टिंग यकीनन आने वाले वक्तों में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी, लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे होती है वॉर रिपोर्टिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इंडिया के इस बहादुर बेटे की न्यूज़ रिपोर्टिंग भी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।